इस दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं होता कि वो आने वाले कल को ना बदल सके। जिस दिन हमारी मौत होती है तो हमारा पैसा बैंकों में ही रह जाता है। जब हम जिंदा होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास खर्च करने को पर्याप्त धन नहीं है। जब हम चले जाते हैं तब बहुत सा धन बिना खर्च किए ही बच जाता है। एक बार एक चीनी बादशाह की मौत हुई, वो अपनी विधवा के लिए बैंक में $2 मिलियन छोड़कर चला गया। तब विधवा ने जवान नौकर से शादी कर ली जो उनके घर में रहता था। तब वो नौकर सोचता है कि मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं अपने मालिक के लिए काम करता हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि असल में मेरे मालिक हमेशा मेरे लिए काम करते थे। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेटकर और अपनी जुबान को समेटकर रखना चाहिए। ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करते समय हम समझते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, लेकिन दूसरों की निंदा करते समय हम भूल जाते हैं, और पुण्य करते समय हम समझते हैं कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन पाप करते समय हम ये भूल जाते हैं। दान करते समय हम समझते हैं कि भगवान सब देख रहा है, लेकिन चोरी करते हुए हम भूल जाते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि फिर भी हम यही समझते हैं कि हम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हैं। और एक बात जिंदगी में सदा याद रखना कि कोई भी तुम्हें सलाह इसलिए नहीं देता कि वो तुमसे ज्यादा समझदार है, बल्कि सलाह इसलिए देता है कि उसने जीवन में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। आज का जीके का सवाल है कि वो कौन सी चीज है जिसके बिना शादी वाले दिन लड़की सुहागरात नहीं मना सकती। प्यारे भाइयों, ऐसे ऐसे रोजाना मैं अपने चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ। वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस सवाल का उत्तर है दूल्हा।